से ही सामान लेके अंदर जाके पूजा कर रहे हैं। आप भी माता रानी का दर्शन कर लीजिए। और ये मैं और मिस्टर पुरोहित दोनों मंदिर के चारों ओर चक्कर काटते हैं ना, मंदिर के चारों ओर, वही चारों ओर जाके मतलब माता रानी के जो बेड़ा रहता है वहाँ पे घूम रहे थे। और ये मैं शूट कर रही थी और माता रानी का नाम ले लेके जाते हैं ना चारों ओर, वही मंदिर में जा रहे हैं। देखिए मंदिर बहुत पुराना है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ का समरेश्वरी मंदिर। माता रानी का तो कोई भी मंदिर हो, छोटा बड़ा क्या है, माता रानी का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी बात है। पर मंदिर बहुत पुराना है बोल के मैं आपको बोल दी। और देखिए यहाँ पे कितना भीड़ है, बहुत कम है, उतना नहीं है जैसे लास्ट ईयर बहुत रहता है। इस साल बहुत कम लोग आए थे, पर थोड़े थोड़े करके आ रहे थे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आ रहे थे बोल के, आ रहे थे। और ये हमने एक पिक लिया मंदिर के अंदर, कैसा लगा ज़रूर बताइए। और ये वाला पिक देखिए, ये बाहर है, हर साल हम मंदिर के बाहर पिक लेते हैं। हेलो। और ये देखिए हम आ चुके हैं समरेश्वरी माता के मंदिर, बाहर खड़े हैं, अंदर से आ चुके हैं दर्शन करके। और ये है मंदिर, हमेशा मंदिर, तो आते हैं। ये मंदिर है राजवाटी में, राजा का जो महल है यहाँ पे पास में है, उस उन्हीं का मंदिर है, उसे पास में ही है। यहाँ पे हमारे इष्ट देवी है अंदर है, तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं सब टाइम, नुआखाई हो कि दुर्गा पूजा हो, कोई भी हो, कुछ भी हो ऐसे लिए। तो फिर अभी चलते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं आगे दिखा। सर के पास डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन हेल्प कर रही थी। जब थोड़ा सा फ्राई हो गया, उसमें मीट मसाला और थोड़ा सा नमक सब डाल के फिर से उसको फ्राई करने लगे। उसके बाद उसमें गर्म पानी, वो मैं नीचे गर्म पानी लाने के लिए गई थी, लाके उसमें गर्म पानी डाल दिए। और ये आके कौन पहुंच गया है देखिए, इजी अपने बेटी के साथ पहुँच गई है, क्योंकि मैंने उसको भी बुलाया था। तो अभी वही सब बैठ के बातें कर रहे थे। देखिए अब पानी वानी सब डाल दिए हैं, सब मसाला गिर गया है, अभी इसको ढक देंगे धीमी आंच में। और रीत आया था ये मटन खाऊंगा बोल के, पर वो मैं बोली कि थोड़ा सा पकने दो बेटा उसके बाद खाना, तो वो रख दिया। और ये सब बैठ के बातें कर रहे थे, थोड़ा सा स्नैक्स खा रहे थे। और ये है मिस्टर पुरोहित। उसके बाद जब सब हो गया तो बच्चे लोग आ गए खाना खाने के लिए। मैं देखिए ईशू को खिला रही हूँ, इजी के बेटी को से, वो ना क्या खा रही थी बोलिए, चावल और चिकन और दाल, बस और कुछ नहीं खा रही थी। बाकी बच्चे लोग अभी खा रहे हैं खाना सब। मेरी और एक दो फ्रेंड को बुलाई थी पर वो लोग आ नहीं पाए, उन लोगों का कुछ फैमिली फंक्शन था घर में इसीलिए। और बच्चे लोग का खाना वाना कंप्लीट हो गया, देखिए हम सब साफ़ कर दे रहे हैं। उसके बाद बड़े लोग सब जितने भी हैं सब बैठ जाएंगे अभी, और ईजी बैठी है, सबको ही बैठेंगे पहले, सबके लिए एक साथ बैठ जाएंगे हम। और एक्चुअली में क्या हुआ, ईजी के साइड में जो है ना, वहाँ पे आके कौन बैठेगा देखिएगा, हम सब रेडी कर रहे थे, उसी बीच में आ गया अभिनव, इजी का हस्बैंड, उसको भी बुलाई थी देखिए, वो भी आ गया अभी, वो भी बैठ गया खाने के लिए, वो पहले से भी आया था चला गया था। और ये देखिए अभी सबको एक
मतलब बैठ के खाएंगे बोल के रेडी कर दे रहे हैं, खाना वाना सब दे रहे हैं। और आज के हमारा मतलब दिन का जो घर में जो पार्टी था, इसमें क्या क्या रेसिपी हुआ, क्या क्या खाना खाए, क्या नहीं, और बाकी कुछ और झलकियाँ आप देख सकते हो दीदी के ब्लॉग में, बहुत ही इंटरेस्टिंग और वो वाला आपको ज़रूर पसंद आएगा। और मैं तो ओवरऑल थोड़ा सा दिखा दी हूँ, लेकिन क्या क्या किए थे, क्या क्या मस्ती की है, उसमें बाकी सब है। और देखिए सबका हो गया, अभी सबको ही हम एक साथ खाना खा लेंगे। गए घर में ही किए, जो भी किए बहुत अच्छा लगा, सबको ही आए खाना वाना खाए और अभी तक ऊपर बैठे थे, नीचे गए भी नहीं, और सब ग्रीन ग्रीन। हाँ, तीनों मैचिंग, कोई इंसिडेंटली मैचिंग ना बात करके नहीं हुआ है। और अगेन हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, बाय। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप लोगों का प्यार हमें बहुत बहुत मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। कल और एक ब्लॉग में मिलेंगे फ्रेंड्स, बाय।